The Maharashtra government has decided to ban the use of plastic items from Gudi Padwa, the Maharashtrian New Year. The ban would cover the production, use, storage, sale, distribution, import and transportation of plastic as informed by the Environment Minister Ramdas Kadam. However, the recent development in this issue witnessed an extension of 3 months for disposal of cargoes for large traders while a month for small traders. In Maharashtra, plastic और सजावट के लिए थर्माकोल के ऊपर बैन लाने का काम हमने किया है. हमने नियम बनाए हैं उसके लिए. जिनके पास स्टॉक पड़ा है प्लास्टिक का, उनको हमने बेचने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है. लेकिन शर्त ये रखे है कि वो महाराष्ट्र में नहीं बेचे, क्योंकि उत्पादन और बेचना महाराष्ट्र में बैन बंद करने का कानून अब नियम लागू किया है. किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए बड़ी पैमाने में, भारी पैमाने. इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हमने निर्णय लिया है कि उनको 3 महीने का वक्त हमने दिया है. कल ही मीटिंग लिए है हाई पावर कमेटी की, और कमेटी में निर्णय हुआ है कि 3 महीने का वक्त उनको उनका वो माल बेचने के लिए दे रहा है. छोटी बॉटल जो थी 1.25 लीटर की, उसके ऊपर बैन लाया, वो भी उठाया कल, लेकिन 2 रुपये उसके ऊपर डिपॉजिट रखा है. कल के बैठक में, कल जो हमारी बैठक हुई, तो उसमें एक बात तय हुई है कि महाराष्ट्र में प्लास्टिक एसोसिएशन के जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनमें से 10 लोगों के नाम वो देने वाले हैं, और हमारे जो तज्ञ हैं अधिकारी उनमें वो 5 लोग उसमें होंगे. ऐसी 15 लोगों की एक समिति गठित की जाएगी अगले 3 दिन के अंदर, और वो समिति आगे कैसा चलना है, आगे कैसा करना है, जो बेरोजगार है उनको कैसा काम देना है, या प्लास्टिक बंद करने के बाद उनको पर्याय हमें कैसा लाना है, उसका डिसीजन अभी आगे ये समिति लेने वाली है.